YouTube चैनल पे जिसका नाम है द बारल स्टोरी। दोस्तों आज का वीडियो ऐसे एरर के बारे में है जो आपके सिस्टम में कई बार आता भी होगा और जो ज़्यादातर गेम यूज करते हैं, ग्राफिक्स यूज करते हैं या जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं उनके सिस्टम में ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि जहाँ पे हार्ड डिस्क का ज़्यादा यूज होता है वो एरर मैक्सिमम 90% उन्हीं सिस्टम्स पे आता है। आज का टॉपिक है नो बूट डिस्क हैज़ बीन डिटेक्टेड और डिस्क हैज़ फेल्ड। दोस्तों इस एरर जब आता है जब हम कंप्यूटर को बूट अप करते हैं या स्टार्ट करते हैं तो हमें कई बार एक एरर शो होता है नो बूट डिस्क हैज बीन डिटेक्टेड और द डिस्क हैज फेल्ड। ये जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर बूट अप होता है और हार्ड डिस्क से बूट इन्फॉर्मेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च करता है या इन्फॉर्मेशन रिट्राइव करता है। बूटअप के लिए अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है, नहीं तो ये एरर शो होता है जिसकी वजह हो सकती है मेक श्योर दैट ऑल द कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क कनेक्शन आर प्रॉपरली कनेक्टेड। अगर कंप्यूटर और हार्ड डिस्क का कनेक्शन ठीक से नहीं हुआ है या लूज है या कनेक्ट ही नहीं है तब सो ये एरर शो होता है। तो सबसे पहले इन कनेक्शन को चेक कर लें, अगर ठीक नहीं है तो फिर से इसे कनेक्ट करें और हार्ड डिस्क को कंप्यूटर से निकालें, साफ करें और उसके वायर्स को साफ करके सिस्टम में ठीक से लगाएं, कनेक्ट कर दें। तब मिक्स और ऑल द कनेक्शंस बिटवीन कंप्यूटर्स एंड हार्ड डिस्क सिक्योरली सेटेड देन बूट योर सिस्टम और उसका सिस्टम को आप चालू करें, रिस्टार्ट करेंगे आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा। पहला कंडीशन ये है, पहला सॉल्यूशन ये है। दूसरा सॉल्यूशन ये है, इंश्योर दैट ऑल द बूट डिस्क इज एट द टॉप ऑफ द कंप्यूटर बूट ऑर्डर। आपका जो बूट डिस्क है वो आपके कंप्यूटर बूट में ऑर्डर में पहले नंबर पर होना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब आपका कंप्यूटर किसी दूसरी सोर्स के द्वारा बूट होने की कोशिश करता है और वो उस सोर्स से अपने सिस्टम को फाइंड नहीं कर पाता है तो ये एरर होता है। इसलिए बूट डिस्क टॉप पे होना चाहिए। कंप्यूटर बूट ऑर्डर में स्टार्ट योर कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर को बूट होने के लिए डिलीट F1 या F2 की दबाए रखते हैं, उसको जब बायोस स्क्रीन ऑन होती है तो उसमें हम अपना बूट उसमें स्क्रीन में जाके पैनल में जाके उस पर चेक करते हैं कि जो हमारे स्क्रीन पे अभी शो हो रहा है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि मेरा जो बूट ड्राइव है वो सब से ऊपर आ रही है। अगर आपके ऊपर नहीं है तो आप इसको टॉप पे करिए, उसके बाद कंप्यूटर को फिर से रिस्टार्ट करिए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तीसरा सॉल्यूशन ये है कि अगर आपके इन दोनों सॉल्यूशन के बाद भी अगर सिस्टम ठीक नहीं होता, बार बार ही एरर होता है, तो आप एक बार फिर से सिस्टम को फॉर्मेट करके और नए विंडो को इंस्टॉल कर लीजिए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो चौथा सॉल्यूशन ये है, आप अपनी हार्ड डिस्क को चेंज कर दीजिए क्योंकि इसके अलावा फिर कोई ऑप्शन नहीं है इसमें सिस्टम में। तो दोस्तों अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए, और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।